नागपुर शहर में एक मामले की जांच करते हुए दूसरा नया मामला उजागर हुआ है। नागपुर शहर के नंदनवन पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक पीटा कार्रवाई की गई थी। इस पीटा कार्रवाई में 17 साल के लड़की को मुक्त कराया गया था, मगर इस मामले में कार्रवाई के दौरान पता चला कि इस लड़की को 2 साल की लड़की भी है। साथ ही इस बात की जानकारी मिली कि अजनी थाना क्षेत्र में रहने वाले सर्वशील रामटेके ने इस लड़की से प्यार का झूठा नाटक कर उसे बार बार शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही शादी का झांसा भी दिया। इसी आरोपी से इस लड़की को ये 2 साल की लड़की हुई है। इस जानकारी पर अजनी पुलिस ने आरोपी सर्वेशील रामटेको को गिरफ्तार कर आगे की जांच करे है। पुलिस स्टेशन नंदनवन अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा विभाग यांनी पीटाची कारवाई केली होती। त्या कारवाई मध्ये एक पीडित मुलगी सापडलेली होती। त्या मुलीचं वय 17 वर्ष होतं आणि त्यांना माहिती मिळाल्याप्रमाणे तिला 2 वर्षाची मुलगी होती। तर त्या अनुषंगाने नंदनवन पोलीस स्टेशन इथे महिलांद्वारे तिचा जबाब नोंदवण्यात आला। त्या जबाबमध्ये अशी माहिती आढळून आली की पोलीस स्टेशन अजनी हद्दीत राहणारा सर्वेश सुशील रामटेके हा तिच्यासोबत त्याचे संबंध होते आणि त्याने तिला धमकी देऊन आणि लग्न करण्याचे प्रलोभन दाखवून तिच्यासोबत वारंवार शारीरिक संबंध केले होते आणि त्याच्यापासून तिला 2 वर्षाची मुलगी पण होती। तर सदरचं प्रकरण पोलीस स्टेशनला दाखल होतच आम्ही त्याच दिवशी नमूद आरोपी सर्वेश सुशील रामटेके याला अटक केलेली आहे आणि सदर आरोपी सध्या 3 दिवस PCR मिळालेला आहे आणि लॉकअप आहे। सदर मुलाचे मागच्या 2 वर्षापासून त्या मुलीसोबत संबंध नव्हते आणि हा जो धंदा चालत होता हा माझ्या पोलीस स्टेशनशी संबंधित होता। नंदनवन पोलीस स्टेशनमध्ये झालेली सामाजिक सुरक्षा विभागाद्वारे केलेली कारवाई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।